YouTube चैनल और आज हम एक नया ताज़ा ब्लॉग लेकर आए हैं बहुत टाइम बाद। जैसे कि आप लोगों ने मेरा रूफ मेकओवर ब्लॉग देखा है, बहुत मेहनत के बाद हमने ये रूफ तैयार की थी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर इसको सपोर्ट दोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। तो जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया उस वीडियो को और आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफी लोगों ने पर्सनल मैसेज करके और काफी कमेंट्स करके बोला है कुछ इससे ज्यादा डिफरेंट लेकर आओ, इसलिए हम कुछ यूनिक और डिफरेंट लेकर आए। और वीडियो को प्लीज बीच में स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आप स्किप करोगे समझ में नहीं आएगी। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। सो गाइस ये बॉल है, आप आराम से देखो इस बॉल को। ये वॉल हम अब पूरी चेंज करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे की वॉल थोड़ी बहुत रेडी हो गई है और अभी मैंने यहाँ पे ये चिपका दी है। अब बताओ कैसी लग रही है ये वॉल ब्लू वाली। अभी तो आपको दिखाने के लिए लगाया है मैंने, सॉरी अभी तो आपको दिखाने के लिए लगाया है, अभी ये उतर के दोबारा पेंट होगा इस पर वाइट, फिर दोबारा लगेगी। हालत पे बिल्कुल ही मत जाना। आज हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा कोट फेरा है वाइट का, मतलब दोबारा वाइट पेंट किया है उसके ऊपर। अब बारी आ गई है बाउंड्रीज की, तो बाउंड्रीज आप देख लो। हमारे अनस भाई, शक्ल दिखा दो अपनी। अनस भाई हैं, ईजान भाई हैं और शमाइल भाई हैं, ठीक है। और बाउंड्रीज करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से बाउंड्रीज पर कलर कर रहे हैं। और हाँ, एक और चीज़, मेन चीज़, खिड़की विंडो पर हमने दोबारा वाइट पेंट करके इसको सूखने के लिए रख दिया है। तो बस देखते रहो बॉल, मतलब हमारी लोकेशन क्या बनने वाली है। हमारी मेहनत देखो आप, अभी पेंडिंग पे है ये काम और आप देख सकते हो ये। रात के 9 बजे भी हम रुक नहीं रहे हैं काम करते हैं, इतनी लगन आई हुई है। लगभग हमारी रूफ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है हाँ ये साइड रहती है। तो यहाँ पे हम कुछ यूनिक सोचा है हमने, अनस भाई, मैंने, शमाई, लिजान ने, हमने कुछ यूनिक सोचा है। वो यूनिकनेस आप देखना वीडियो के एंड में और बाकी वीडियो को एंजॉय करो। डे भी हमारा यूं ही निकल गया। तिकड़मबाजी क्या की है हम दिखाते हैं आपको कल, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं पड़ रही है इस वॉल में और वाली वॉल पे सामने वाली पे। तो कल दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना हुआ है हमारा, और ऑलमोस्ट हो गया है, एक दो दिन का और काम है, फिर तो भाई मजा ही है। चलिए मिलते हैं। सो वेल गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कल दिखाता हूँ क्या हमने रात को किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया है। ये तिकड़मबाजी करी है हमने, ये देखिए।
यहाँ पे भी मैंने ऐसा करवा दिया है रेड सा, बस आउटलाइन होने बाकी है ब्लैक से। ये वाली वॉल पे डूडल आर्ट होगा और बाकी तो आप देख रहे हो और देखते रहो, ये वाली वॉल बननी रह गई है, बाकी पूरा हो चुका है हमारा। आज लग रहे हैं प्लांट्स। हाय अनस भाई, मेहनती लोग हैं, अबे मेहनती लोग। हाँ लगा दो। तो फाइनली गाइस आज है 9th डे और इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं मेरी जो मैं डूडलिंग आर्ट कर सकूँ इस वॉल पे, तो मैंने अपने भाई को बुलाया है, मामे के बेटे को, कजिन को, और हम तो हैं ही, चलिए देखते हैं कि कैसा आर्ट बनता है कैसा नहीं बनता। मैंने आपसे कहा था कि मेरी इतनी अच्छी आर्ट नहीं है, तो मैंने अपने भाई को बुलाया था, तो फाइनली भाई ने जान डाल दी इस वॉल पे। वाओ, कैसी लग रही है अनस भाई? Awesome. Awesome. शम्मु काका कैसी लग रही है? Awesome. बढ़िया बिल्कुल। अरे भाई मजा बन गया तुमने तो यार। अभी तो अंधेरा हो चुका है लेकिन मैं आपको सुबह के टाइम पूरी वॉल दिखाऊंगा कि क्या क्या बनाया है क्या क्या लिखा है। रात हो चुकी है और आप देख सकते हैं डूडलिंग आर्ट किस तरीके से मेरा भाई बना रहे हैं। ये लाडले साहब, ये मैं आपको कल दिखाता हूँ और मेरी हालत देख लो कैसी हो गई है। हालत थोड़ा सा है जो अनफेयर लग रहा है वो हम कल जाके सही कर लेंगे, और मेरा भाई भी बहुत थक चुका है तो हम जा रहे हैं। मैं आपको पूरी वॉल कल दिखाता हूँ। फाइनली गाइज हमारी लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा किस लगन से और किस मेहनत से मैंने और मेरे भाइयों ने और मेरे दोस्तों ने इस लोकेशन को कंप्लीट करने में अपना योगदान दिया है। सो किसी को कुछ कहना है वीडियो एंड होने से पहले? हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा जरूर दबा देना।